हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ एक पुडिंग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही आसान है, आप घर में बचे हुए सामान से इसे बना सकते हैं। बहुत ही कम समय में ये बनता है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं 1 लीटर दूध लिया है, इसे मैं उबाल लूँगी। सबसे पहले मैं कस्टर्ड तैयार करूँगी। कस्टर्ड के लिए मैं 3 बड़े चम्मच चाय के चम्मच से मैं कस्टर्ड पाउडर ली हूँ। इसमें मैं ठंडा दूध ऐड कर रही हूँ ताकि इसमें लम्प नहीं आए। अब मैं इस दूध को उबाल लूंगी। यहाँ हमारा दूध उबल चुका है। अब मैं इसमें 1 कप चीनी ऐड करूंगी। आप चीनी अपने हिसाब से यूज करें, कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं चीनी ऐड कर रही हूँ 1 कप। तो यहाँ मेरी चीनी वो घुल चुकी है। अब मैं इसमें कस्टर्ड का घोल ऐड करूंगी। पहले इसे चला लें क्योंकि ये नीचे जम जाती है। अब इसे हिलाते हुए हमें इसमें ऐड करना है। हमारी कस्टर्ड यहाँ गाढ़ी होनी चाहिए। जो मैं नॉर्मल कस्टर्ड फ्रूट कस्टर्ड बनाती हूँ उससे गाढ़ी होनी चाहिए हमारी ये कस्टर्ड। तो यहाँ देखा आपने, इसमें उबाल आ चुका है और हमारी कस्टर्ड गाढ़ी है। ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। अब मैं इसे ठंडा कर लेती हूँ, गैस बंद कर देती हूँ। ये रूम टेम्परेचर पे मैं इसे ठंडा करती हूँ। तो यहाँ मैं कुछ फ्रूट्स ली। यहाँ पे मैंने केला लिया है, ये बिस्किट के क्रम्स है जिसे मैं मिक्सी में पीस लिया है। ये हमारे बचे हुए केक हैं। आप ये कोई भी जार ले, मैंने यहाँ पे शीशे का एक जार लिया है। इसमें सबसे पहले मैं नीचे केक को एडजस्ट कर लूँगी, बिछा लूँगी। बहुत ही आसान है, आप घर में बची हुई किसी भी चीज़ से आप ये पुडिंग बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है ये पुडिंग। इसके ऊपर मैं केला बिछाऊंगी। इसके ऊपर से मैं बिस्किट का जो पाउडर बनाई थी, मैं यहाँ पे मैंने चॉकलेट फ्लेवर का बिस्किट लिया है। आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, जो भी आपके घर में पड़े हुए हैं आप उस बिस्किट को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बॉर्नविटा का बिस्किट लिया है। इसके ऊपर से मैं कस्टर्ड पोर करूँगी। आप इसके कई लेयर बना सकते हैं। अगर आपके बॉल बड़े हैं तो आप इसके ऊपर से भी सेकेंड लेयर बना सकते हैं। इसे थोड़ा हिला दें ताकि ये नीचे चला जाए। इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा केक जो है उसे तोड़ करके इसे डेकोरेट कर रही हूँ। मैंने इसे डेकोरेट कर लिया है केक और बिस्किट के पाउडर से और केला से। तो ये हमारी रेसिपी बनकर तैयार है। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है, उसे ज़रूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।